आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो इन दिस क्वेश्चन हमको बोला है स्मॉल एयर बबल इन ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर अपीयर टू बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस व्हेन लुक्ड एट अलोंग द डायमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ द एयर बबल। सो हमको बोला है एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। वहां पे एक ऐसा ओ पे एक हमारा जो है सपोज एक एयर बबल है ग्लास स्फीयर के अंदर, और अगर हम उसको यहाँ से देखें मतलब बाहर अलोंग द डायमीटर देखें, सो वो अपीयर होता है जैसे ये रे आंख में पड़ेगी ऑब्जर्वर के, सो वो अपीयर होगा कि आई से आ रही है, और आई जो हमको दे रखा है वो दे रखा है कि पोल से, जो मतलब यहाँ पी पॉइंट से वो 1 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, सो हमको बताना है कि जो एक्चुअल पोजिशन जो कि ओ है वो कितना दूर होगा। सो हमको ओ पी बतानी बेसिकली। ठीक है, सो ओ पी को हम बोल देते हैं सपोज एक्स सेंटीमीटर से। ठीक है, तो हमारा बेसिक ये कैसा फार्मूला यूज़ करना होगा, हमको रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज़ करना होगा। रिफ्रैक्शन फार्मूला जो कि क्या कहता है, जो हमारा होता है n2 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 upon r, विथ साइन सारे यूज होंगे। सो n2 वो रहेगा जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो n1 रहेगा। ठीक है, जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो हमारा रहता है n1। सो n1 रहेगा इस केस में हमारा रखा है ग्लास स्फीयर के अंदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो वो रहेगा म्यू टू के बराबर जो कि है 1.5, और n2 जो रहता है जहाँ पे फाइनल रे जा रही है, जहाँ पे फाइनल रे जा रही है रिफ्रैक्शन एट द सरफेस के बाद। ठीक है, सो n2 जो रहेगा कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है एयर में, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको μ1 दे रखा है। ठीक है, सो हमारा जो v रहेगा वो हमारा पी पे हमारा ओरिजन आ जाएगा। ठीक है, पी पे हमारा ओरिजन आ जाएगा क्योंकि इस वाली सरफेस पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। सो जो वी रहेगा वो सारी हमारी इमेज पोजीशन रहती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन, साइन के साथ, ओरिजन के इस तरफ नेगेटिव, ओरिजन के इस तरफ पॉजिटिव। जो आई है इमेज पोजीशन वो हमको दे रखी है 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, तो विद साइन -1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो हमको यू है वो हमारी ऑब्जेक्ट पोजीशन होती है विद साइन, ऑब्जेक्ट रखा है इधर। ठीक है, सो हमारा इधर की तरफ x सेंटीमीटर आ जाएगा, सो -x सेंटीमीटर विद साइन आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहेगा r, उसका साइन हम ऐसे डिसाइड करते हैं जो पोल पे ओरिजन है। सो रेडियस गिनने के लिए हमको किस तरफ जाना पड़ रहा है, रेडियस तो सेंटर से इधर होगा, इधर जाना पड़ेगा तो नेगेटिव आएगी रेडियस। सो रेडियस कितना नेगेटिव, और हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। ठीक है, n2 की वैल्यू है 1 है, ठीक है, अपॉन v जो है वो -1 है। ठीक है, माइनस ऑफ n1 जो है वो 1.5 है। ठीक है, u जो रहेगा हमारे पास वो है -x, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा। ठीक है, n2 हमारा है 1 minus 1.5 अपॉन r जो है -2। इसको सॉल्व करेंगे हम, सो सिंप्लीफाई करने पे बनेगा 1.5x = 1/4 + 1, और जब सॉल्व करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 6/5 सेंटीमीटर जो कि होगा 1.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर इस प्रॉब्लम का। सो जो ये x डिस्टेंस आएगी, o की डिस्टेंस, op जो आ जाएगी वो हमारी 1.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।